नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नी बर्साइटिस के बारे में। नी पेन के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण नी बर्साइटिस भी है। ये नी बर्साइटिस होता क्या है, इसके कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसके कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, नी पेन के बहुत सारे कारण हैं। नी आर्थराइटिस सबसे कॉमन है, बट उसमें से एक कारण है नी बर्साइटिस। तो नी बर्साइटिस होता क्या है? नी बर्साइटिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये बर्साइटिस होता क्या है, ये कहाँ पर होता है, इसका एनाटोमी क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बर्साइटिस जो शब्द है वो बर्सा से लिया गया है। बर्सा एक्चुअली एक फ्लूइड फील्ड शैक, एक एम्प्टी स्पेस है, फ्लूइड फील्ड शैक है, जो हमारे जोड़ों के आसपास होता है। वो जोड़ों में नहीं होता है, जॉइंट्स में नहीं होता है, वो जोड़ों के आसपास होता है। इसको बेहतर समझने के लिए मेरे पास ये जेल बॉल है, अगर मैं इसको इस तरह से कंप्रेस कर दूँ तो ये देखिए, एक जो हमारा जो बर्सा है कुछ ऐसा ही होता है, वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है और वो जॉइंट्स के आसपास दो स्ट्रक्चर्स के बीच में हो सकता है, या फिर एक दो टेंडन्स के बीच में हो सकता है, या फिर जॉइंट्स और टेंडन के बीच में हो सकता है। और इसका पर्पस ये है कि जब भी हम अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं तो हमारा टेंडन है ना, आपस भी वहाँ पे मूव होता है, हमारे जॉइंट्स के आसपास जो टेंडन है वो सब मूव होता है। तो ये जो फ्लूइड फील्ड सैक जो बर्सा है, यह फ्रिक्शन घटाने का काम करता है। अगर दो टेंडन आपस में रगड़ खाए तो सोचिए क्या होगा, एक घिसते 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 दर्द बढ़ जाएगा। तो जब भी कोई इसमें कोई दिक्कत आ जाए इस बर्सा में, या फिर कोई स्वेलिंग हो जाए, तो एक दर्द होता है हमें, और इसे बर्साइटिस कहते हैं। लेकिन शरीर में सबसे कॉमन जगह है हमारे शोल्डर जॉइंट, जॉइंट्स शोल्डर जॉइंट्स के आसपास, हमारे कोहनी में, हमारे हिप में और हमारे घुटनों के आसपास बर्साइटिस के सबसे ज़्यादा शिकायत होते हैं। मगर हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नी बर्साइटिस में आप क्या क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है बर्साइटिस होने का? देखिए, जब भी कोई उस बर्सा के ऊपर में अगर हमें कोई चोट पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, डायरेक्ट आपको किसी ने मारा, या फिर रिपीटेड इम्पैक्ट, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, जैसे कोई ऑक्यूपेशन करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, उनको हमेशा वहाँ पे चोट लगते रहता है, या फिर कोई हाउस मेड ले लीजिए जो घुटने में टेक करके पोछा मारते हैं, तो रिपीटेडली जो ऑक्यूपेशन की वजह से ये वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ते रहता है और वो बर्सा स्वेलिंग हो जाता है। नी में चार बर्साइटिस होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ होता है। तो ये जो हमारा जो है, ये जो है पैटेला कहते हैं इसको। अगर पैटेला के ऊपर में कोई बर्साइटिस होता है, यहाँ पे होता है सुप्रा पैटेलर बर्सा। तो यहाँ पे कोई अगर दिक्कत हो तो इसे हमें सुप्रा पैटेलर बर्साइटिस बोलते हैं। ये जो पैटेला के जस्ट ऊपर में भी एक बर्सा होता है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए तो इसको प्री पैटेलर बर्सा बोलते हैं, और ये जो पैटेला के जस्ट नीचे अगर कुछ हो जाए तो इसे इन्फ्रा पैटेलर बर्सा बोलते हैं। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें वहाँ पे पेन। तो बर्साइटिस का एक ट्रीटमेंट का एक प्रिंसिपल होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आइस लेना है, आइस पैक लीजिए और उसको अच्छी तरह से जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर लगाइए, आपको तुरंत आपके घुटनों में दर्द में आराम मिलेगा। ये तो हुआ दर्द के बाद, उसके बाद फिर आपको, तो चलिए अब एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं। तो हमें दो कैटेगरी में हम एक्सरसाइज को डिवाइड करेंगे, पहला है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके बाद दूसरा है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम आपको घुटनों के सामने जो दर्द होता है उसको आपको स्ट्रेच करना है। तो आप इस तरह से लेट जाएं, ऐसे साइड में लेट जाएं, उसके बाद मान लीजिए इसमें दर्द है, इसको ऊपर रखें और ऐसे करके इसको ऐसे पकड़ लें और ऐसे करके खींचें, तो उसमें एक आपको स्ट्रेच सा महसूस होगा, यहाँ पे स्ट्रेच सा महसूस होगा। इसको ऐसे करके खींचिए, स्ट्रेच करके ऐसे रखिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आप को एक तौलिया या फिर कोई गमछा या बेडशीट इस तरह से ले लीजिए और आप इस तरह से बैठ जाइए,
ठीक है, इस तरह से बैठ गए और फिर इसको पैरों में इस तरह से फंसा लीजिए और फिर इसको खींचिए इस तरह से। इस तरह से खींचने से आपको नीचे में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इस तरफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसे खींच करके कम से कम 1 मिनट तक इसको पकड़ के रखिए। एक सेशन में 2 सेट करिए, ठीक है। उसी तरह से आप इसको लेट के भी कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे किए और ऐसे ऐसे करके खींचना है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको घुटनों को नहीं मोड़ना है, ठीक है। घुटना हमेशा सीधा रहना चाहिए ऐसे। ये तो था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए भी आपको क्या करना है कि आपको पहले इस तरह से लेट जाना है। आपको यहाँ का स्ट्रेंथन करना है तो इस तरह से लेट जाइए, उसके बाद पैर को आप सीधा उठाइए इस तरह से 30 डिग्री तक उठाइए। ज़्यादा नहीं उठाना है, इस तरह से पूरा नहीं उठाना है, 30 डिग्री तक उठाना है। उसके बाद फिर इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, फिर नीचे रखिए, ठीक है। फिर से उठाइए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, फिर नीचे रखिए। इसे आप 10 बार करिएगा, ठीक है, मिनिमम 10 बार। उससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 10 बार। उसके बाद फिर आप इस तरह से लेटिए, पैर को नीचे वाला पैर को इसको मोड़ दीजिए, ऊपर वाला को सीधा रखिए और ऐसे करके उठाइए। ये भी 30 डिग्री तक उठेगा। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, फिर धीरे 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 तक नीचे रखिए, फिर उठाइए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, धीरे 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 ऐसे करके रखिए। और मान लीजिए कि अंदर की तरफ यहाँ पे आपको दर्द है, जो मैंने पेस एसेराइन एनसेराइन जो आपको बोला था, उसके लिए आप क्या करेंगे कि इस तरह से ये ऐसे उठाएंगे, ठीक है। इसे भी आप 5 सेकंड तक होल्ड के रखे रखें और फिर नीचे रखें। इसे भी मिनिमम आप 10 बार करें। मगर ध्यान रहे दोस्तों, ये सब एक्सरसाइजेस केवल अगर आपको दर्द थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, उसी में काम करेगा। और अगर बर्साइटिस की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप सर्जन के पास जाएंगे तो वो इंजेक्शन वहाँ पे देंगे या फिर इंजेक्ट करके वहाँ का जो फ्लूइड जो बढ़ गया है उसको निकालेंगे, स्वेलिंग कम करेंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको सर्जरी भी करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं हमेशा लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।